पहले हम दोनों तरफ भी बचते थे तो उसको तोड़ के फेंक देते थे। हमको पता ही नहीं था कि ये, हम तो शॉर्ट समझते थे उसको, लेकिन जानते नहीं थे नेटवर्क सेक्शन के बारे में इतना कुछ। आज मोबाइल में अलग थलग मैटर है, ऐसे टेलीकॉम में आने के बाद हमको पता चला। और मैं कहना चाहूंगा जो अभी देख रहे हैं हमें, तो वो उनको अगर कुछ पाना है तो तुरंत ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करें। ऐसे टेलीकॉम में हर नॉलेज आपको बहुत ही डीपली तरीके से मिलेगी, एंडलेस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। और रात के 11 बज गए सर, रात के 11 बज गए तो आज हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई सर, कि जैसे आरएफ के बाद भी बहुत कुछ सी चीज़ें होती हैं, तो वो आज हमको जानने को मिला सर, बहुत डीप नॉलेज मिला सर आज। तो सारे प्रकार के प्रोटोकॉल, सारे प्रकार की आईसी या नेटवर्क की आईसी, ऐसी आईसी की जो इंस्टीट्यूट वाले नहीं जानते वो नॉलेज भी आपको सर, इंस्टीट्यूट वाले नहीं जानते हैं सर, और बोर्नियो भी नहीं बताता सर, बोर्नियो भी नहीं वो चीज़ें नॉलेज एशिया टेलीकॉम में देता, मतलब बोर्नियो भी नहीं बताता, नहीं बताता बोर्नियो सर। तो आपको सारे तरीके आ गए, फ्रिक्वेंसी कहाँ आती, कहाँ चेक करनी है आपको मालूम है, आपको वोल्टेज कहाँ चेक करना है वो मालूम है, आपको जीआर क्या चेक करना है। मैं खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट की सर, सारे स्टूडेंट सबका क्लियर है सर, सबका क्लियर। यस सर, चाचा भाई मेरा नाम मोहित चौरसिया है सर। आज की नेटवर्क की क्लास बहुत ही शानदार रही, देव सर ने एकदम डीप लेवल का नॉलेज दिया, कई चीज़ें मेरे को नहीं पता चली, जैसे कि पहले मेरे को पता नहीं था कि रेडियो ऑन ऑफ क्या होता है, बैंड पास आईसियां क्या होती हैं, उससे क्या होता है, हाँ, मॉड्यूलर क्या होता है। पहले डायरेक्ट हम सीधे WTR और ये आईसीओ पे काम करते थे, जो कि वो बहुत ही गलत मेथड है, पूरा डायग्नोस करके ही काम करना चाहिए, लेकिन अब हमको पूरा नॉलेज है तो अब हम पूरा डायग्नोस करेंगे कब कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट आएगा। किनसे क्लास मिली आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगा? एंडलेस क्लास मिली देव सर के साथ, हमारे क्लास हो गए, नेटवर्क सेक्शन को देखने का नजरिया बदल गया। कोई सा ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको डीओसी से फ्रीक्वेंसी आईसी के पास नहीं नाप सकता हो? नो सर, डीएसओ की बात कर रहा हूं। सब ने चेक करे वन बाय वन। लैब में क्या किया आपने? ट्रेसिंग किया डीएसओ से, या फ्रीक्वेंसी चेक किया, उसका पैडलाइन चेक किया, उसके बाद में ट्रैक फाइंड आउट किए, वोल्टेज फाइंड आउट किए, जीआर फाइंड आउट किए। ठीक है, तो किसी चीज़ की कोई कमी थी क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, मेरे ये डायग्नोस करना सिखाया कि आपको डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मैं बताया सर ने, और 2GPFO 4GPFO के बारे में जानकारी बताई, कहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, और जैसे कि मार्केट में बहुत से ऐसे फॉल्ट हैं अभी जो दुकानदार नहीं बना पाते, वो अब हम बना सकते हैं, इसके पहले हमें कोई नॉलेज नहीं। झारखंड से हूँ, आज देव सर के साथ नेटवर्क की क्लास हुई सर। पहले क्या होता था ना, पहले अगर कस्टमर आते थे हमारे दुकान में, अगर 10 मोबाइल आता था तो उसमें से हम लोग सोचते थे कि नेटवर्क का एक भी केस ना आए, क्योंकि नेटवर्क का जल्दी कनेक्शन प्रॉब्लम बनता नहीं था जी। लेकिन आज क्लास होने के बाद ऐसा लगता है कि अब नेटवर्क का सेक्शन आए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, बल्कि अब नेटवर्क सेक्शन ज़्यादा हम लोग कमा भी सकते हैं। तो अब सेटिंग बदल जाएंगे, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका नेटवर्क आ चुका है, इन्होंने WTR को चेंज किया। कैसा लगा? बढ़िया लगा सर, बढ़िया लगा। पहली बार नेटवर्क है जी। क्या बोलेंगे जो एशिया टेलीकॉम आना चाहते हो? बस जल्दी जल्दी आ जाओ, काम कट करा ले, काम जल्दी सिखा दो। पैसा वसूल है कि नहीं? एक्सेल मिला बस, वो किस लेवल का मिला आपको? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, सारा नॉलेज यही जल्दी। तो हमारे सर के लिए देव वी को पहला, दूसरा क्या कर रहा हो नेटवर्क, और तीसरा क्या कर रहा हो सर्चिंग पे जाकर सर्विस पे आ रहा है, ध्यान देना। इस कंडीशन में अगर मैं यहां पर भी ट्विजर रखता हूं 22 नंबर पे ट्विजर, तो भी मेरा नेटवर्क बन जाएगा, पर वो तब तक जब तक ट्विजर रखा हूं, इसलिए मैं इसको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल में। देखो यहां पर, तो अब ये तो हमने इसी भी मोबाइल का देखा, तो चलो अब देखते हैं Redmi 8A में तो दूसरी आईसी लगी है ना? यस सर। अब ध्यान देना, इस PFO का टोटल नंबर गिनो, टोटल नंबर कितना नंबर है बताओ? 27। ध्यान देना, PFO नंबर वाइज चेंज होते हैं, तुम PFO को, मैं इस PFO की आधी सप्लाई एक्यूरेट है, अगर इसके 5 नंबर पे, इसके 5 नंबर पे सील क्लॉक है और डाटा है, तो हर PFO के 5 नंबर पे गई है, पर ऐसा नहीं है कि इस PFO को उधर उठा के लगा देंगे। इसका टोटल नंबर कितना है? 47। और क्या?
क्या कितना इम्पोर्टेंट है इस लाइन का? मेन चीज है इसमें ही है, बाकी ये सीपीयू से सारा डेटा ट्रांसफर करता है, बाकी इसकी वोल्टेज 1.8 है, रिक्वायर्ड वोल्टेज हर आईसी का, हर आईसी का वो सबको मालूम है, सबको मालूम है, ये मेन चीज है। एक चेक, यही चेक करेंगे अपने नेटवर्क आईसी, 90% ओके हो जाए। इसको बोलते हैं प्रो लेवल का नेटवर्क, प्रो लेवल का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से। आज आपका किस चीज़ का सेक्शन था? मैं आज नेटवर्क सेक्शन का था। नेटवर्क सेक्शन था, तो ये जो आपने पीछे ये किसने बनाया, सर ने बनाया आपने बनाया? मैंने बनाया। इसमें आपने क्या समझाया है, क्या बताया आपने? इसमें सीपीयू से आरएफई डेटा क्लॉक सिग्नल है। मतलब एक नेटवर्क सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी आईसी लगती है, कितने वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, कौन सी लाइनिंग सीपीयू से आती है, कौन सी पावर से आती है, ये सब सारी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता था या फिर आपको सर ने बताया है? नहीं, आज ही मैं सर से, सर ने सिखाया। तो अभी आप लाइव क्या करने वाले हैं? मैं ना आज इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पहले है अभी। तो अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? क्या फॉल्ट आपको दिखा इसमें? इसमें नो सर्विस आ रहा है इसमें अभी। नो सर्विस का आपने लिस्ट बना के चेक किया होगा? लिस्ट नहीं बन रहा था। हाँ, लिस्ट नहीं बन रहा था। तो अभी आप इसमें लिस्ट बनाएंगे, आर एफ आई सी लगाने वाले हैं, आर एफ डब्ल्यू टी आर आई सी चेंज करने वाला है। चलिए ठीक है, चेंज करिए। लेकिन दीपक सर एक काम करना पड़ेगा, सर के बाइक को फोटो लेनी है ना। लास्ट फेयरवेल वाले दिन चाहिए किसी दिन पास करो बस ब्रश मारो, ब्रश मारो, मुझे चिंता करो। तो ऐसे ऐसे ब्रश मारो दो समथिंग में किस्त में क्या हो गया, क्या गया ऐसा ना होगा।
वो हार्ट है तुम कूल बनाओ ऐसे घुमाओ सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका नेटवर्क आ चुका है, इन्होंने WTR को चेंज किया। कैसा लगा? बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा? हाँ। पहली बार नेटवर्क है जी। क्या बोलेंगे जो एशिया टेलीकॉम आना चाहते हो? बस जल्दी जल्दी आ जाओ, काम कट करा लो, काम जल्दी सिखा लो। पैसा वसूल है कि नहीं? एक्सेल मिला बस। वो किस लेवल का मिला आपको? बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट, सारा नॉलेज है जल्दी। तो हमारे सर के लिए 28 जुलाई की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? टाइम क्या हो रहा है? 11। जब तक सेक्शन हमारे दिमाग में नहीं आता, पूरा लाइव प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हम जाते हैं क्या यहाँ से? आज आपका क्या सेक्शन था? टफ सेक्शन था ना? अब तक टफ सेक्शन था, कल तक टफ सेक्शन था ना? और आज क्या पोजीशन है? इजी, बहुत इजी। यस सर। इंडिया में इतना कोई डेप्थ में दे सकता है? आपको किसकी क्या मतलब कैसी क्लास मिली और किन से क्लास मिली, आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। एंडलेस क्लास मिली देव सर के साथ, हमारे क्लास हो गए, नेटवर्क सेक्शन को देखने का नजरिया बदल गया। कोई सा ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको डीएसओ से फ्रीक्वेंसी आईसी के पास नहीं नाप सकता हो? नो सर। डीएसओ की बात कर रहा हूँ। सबने चेक किया वन बाय वन। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। आज हमारा नेटवर्क सेक्शन का क्लास था जी, बहुत अच्छी तरह से एंडलेस तरीके से हो गया। अच्छा, तो और फिर आपको सर ने जिस लेवल से पढ़ाया उस लेवल से आप यहाँ आके पढ़े, आपने हार्डवेयर की क्लास में क्या किया? हार्डवेयर की क्लास में यहाँ पर आकर आपने ट्रेसिंग की जो क्लास आपकी लैब होती है, लैब में क्या किया आपने? ट्रेसिंग किया डीएसओ से, फ्रीक्वेंसी चेक किया, उसका पैड लाइन चेक किया, उसके बाद में ट्रैक फाइंड आउट किए, वोल्टेज फाइंड आउट किए, जीआर फाइंड आउट किए। ठीक है, तो किसी चीज की कोई कमी थी? नो सर, नो सर। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। आज नेटवर्क क्लास का लिए जी, और मैं मध्य प्रदेश अलीराजपुर जिले से हूँ जी, और आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास थी जी, और उसमें काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे को हमारे सर ने काफ़ी अच्छा उसको नॉलेज हमारे को दिया है। अच्छा, और पहले हम नेटवर्क सेक्शन बना नहीं पाते थे, लेकिन आज हमारे को नॉलेज अच्छा हो गया और हमारे कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो गया है, और आज के हम कोई भी अगर नेटवर्क का पीस हमारे पास आएगा तो हम उसको बनाएंगे और खाली नहीं जान देंगे। कितनी आईसीयू पे डीएसओ का इस्तेमाल करना है ये मालूम है? यस सर। कितनी आईसीयू पे करना है ये मालूम है आपको? यस सर। सारी आईसीयू पे मालूम है कि कहाँ आपको डीएसओ का इस्तेमाल करना है, कहाँ एक्चुअल सर, कहाँ से कहाँ डीएसओ का इस्तेमाल करना है? तो इसका प्रैक्टिकल ये टीचर ने बताया कि आपने खुद ने किया? हमने डीएसओ का इस्तेमाल खुद ने किया? हमने खुद ने किया। आपने आपने सबने किया कि नहीं डीएसओ का किया? और बाईपास कैसे करना ये भी, बाईपास कैसे करना ये भी हमारे को हर चीज का नॉलेज दिया। चलिए ठीक है, मेरे साथ अगले स्टूडेंट है, जी नाम बताइए। मेरा नाम राज शर्मा है जी। आज हम लोग का नेटवर्क सेक्शन का क्लास था। हाँ, जितना भी जो भी फल होगा वो पूरा कम्प्लीटली क्लियर कर लेंगे, उतना कॉन्फिडेंस हो गया है हम आज। हम लोग को कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन आज मैं फुली क्लियर हो गया है किधर से क्या बाईपास करना है, किधर से क्या करना है, किधर से क्या करना है, सब कुछ हम पूरा डायग्राम बना के पूरा एकदम। मनीष गुजर है, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ जी, आज हमारे नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी जो देव सर ने हमें पढ़ाया, और नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आते थे मार्केट में वो हमें बताया, किस आईसी पे कितना जीआर कितना वोल्टेज मिलेगा पूरा। और मेन बात ये है कि सर ने आज हमें विदाउट डायग्राम से ये डायग्नोस करना सिखाया कि आपको डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मैं बताया सर ने। और
2GPFO 4GPFO के बारे में जानकारी बताई, कहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, और जैसे कि मार्केट में बहुत से ऐसे होल्ड हैं अभी जो दुकानदार नहीं बना पाते, वो अब हम बना सकते हैं। इसके पहले हमें कोई नॉलेज नहीं से हूँ। आज देव सर के साथ नेटवर्क की क्लास हुई सर। पहले क्या होता था ना, पहले अगर कस्टमर आते थे हमारे दुकान में, अगर 10 मोबाइल आता था तो उसमें से हम लोग सोचते थे कि नेटवर्क का एक भी केस ना आए, क्योंकि नेटवर्क का जल्दी कनेक्शन प्रॉब्लम बनता नहीं था जी। लेकिन आज क्लास होने के बाद ऐसा लगता है कि अब नेटवर्क का सेक्शन आए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, बल्कि अब नेटवर्क सेक्शन इधर 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 ज़्यादा हम लोग कमा भी सकते हैं, तो अब नेटवर्क सेक्शन है तो हलवा हो गया। किस लेवल पे आपको पढ़ाया और किस लेवल पे आपको समझ में आया और किस लेवल पे आपने प्रैक्टिकल करा? बहुत ही हाई लेवल पे सर, बहुत ही हाई लेवल पे बताया गया, प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने उसी तरीके से किया। 2G 3G PFO पे, 2G PFO पे, RF पे कैसे उसका वोल्टेज निकालना है, कैसे उसका GRO करना है, APT क्या है, सब टोटल हर चीज़ के माने नेटवर्क संबंधित जितना भी IC है जो इससे संबंध रखता है वो उस पर हम लोगों ने पूरा अच्छे से अभी काम किया। मेरा नाम मोहित चौरसिया है सर। आज की नेटवर्क की क्लास बहुत शानदार रही, देव सर ने एकदम डीप लेवल का नॉलेज दिया, कई चीज़ें मेरे को नहीं पता चली, जैसे कि पहले मेरे को पता नहीं था कि रेडियो ऑन ऑफ क्या होता है, बैंड पास आईसियां क्या होती हैं, उससे क्या होता है, हाँ, मॉड्यूलर क्या होता है। पहले डायरेक्ट हम सीधे WTR और ये ICO पे काम करते थे, जो कि वो बहुत ही गलत मेथड है, पूरा डायग्नोस करके ही काम करना चाहिए, लेकिन अब हमको पूरा नॉलेज है तो अब हम पूरा डायग्नोस करेंगे कब कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट चला। और रात के 11 बज गए हैं सर, रात के 11 बज गए हैं, तो आज हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई सर, कि जैसे RF के बाद भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो आज हमको जानने को मिला सर, बहुत डीप नॉलेज मिला सर आज। तो सारे प्रकार के प्रोटोकॉल, सारे प्रकार की IC या नेटवर्क की IC, ऐसी IC की जो इंस्टीट्यूट वाले नहीं जानते वो नॉलेज भी आपको सर, इंस्टीट्यूट वाले नहीं जानते हैं सर, और बोर्नियो भी नहीं बताता सर, बोर्नियो भी नहीं वो चीज़ें नॉलेज एशिया टेलीकॉम में देता, मतलब बोर्नियो भी नहीं बताता, नहीं बताता बोर्नियो सर। तो आपको सारे तरीके आ गए, फ्रिक्वेंसी कहाँ आती, कहाँ चेक करनी है आपको मालूम है, आपको वोल्टेज कहाँ चेक करना है वो मालूम है, आपको GR क्या चेक करना है, मैं खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट की सर, सारे स्टूडेंट सबका क्लियर है सर, सबका क्लियर, यस सर। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें हैं सर जो बैठे हुए मार्केट में जो IC लगाते निकालते उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो करने को होता है, और हमने बहुत सारे नुकसान देख लिया है, अब शायद ही हो कि ना हो अब नुकसान। चलिए ठीक है, आपके पास इनलेस सॉल्यूशन है कि नहीं? यस सर, इनलेस है सर। और हम लोग क्या है कि जब हम लोग नहीं जानते थे, यहाँ पे नहीं आए हुए थे, तो ये कहें तो मतलब कि हम लोग 0 थे, अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये सारी चीज़ें होती हैं, 2GPA 4GPA RF में
किसे परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?